क्या बात करनी है बताओ। भैया एक्चुअली मैंने सोच लिया है कि मुझे आगे क्या करना है। अरे वाह फाइनली। तो क्या सोचा मेरी बहन ने? मुझे पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है। पुलिस फोर्स? हाँ भैया पुलिस फोर्स। बैठ बैठ बैठ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भैया मेरी तबीयत ठीक है। समझ गया सब समझ गया। ये रात को तुमने कोई वेब सीरीज देखी होगी है ना? इस बात से वेब सीरीज का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है बेटा, ये जो आजकल की वेब सीरीज है ना, इनमें ये क्रिमिनल केसेस, पुलिस फोर्स, ये सब चीज़ें दिखाते हैं और हर कोई उनको देख के प्रेरित हो जाता है कि यार मुझे भी कुछ करना अपने देश के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भैया, मुझे जेन्युइनली पुलिस ऑफिसर बनना है। जेन्युइनली? हाँ समझ गया। 15 अगस्त आ रहा है और ये संदेशे आते हैं और ये बॉर्डर LOC ये सब देख रही हो आजकल मुझे लग रहा है। देखो सन्नी देओल का मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम फिल्में देख के पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें। अगर फिल्म देख के ही ये सब डिसाइड करना होता तो फिर मैं पुलिस ऑफिसर नहीं आर्मी ऑफिसर बनने का सोचती। हाँ हाँ पॉइंट तो है खैर, लेकिन पुलिस फोर्स क्यों, पुलिस ऑफिसर क्यों बनना है? भैया मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा बनना है कि मुझे अपने इंसान होने पे गर्व हो। गर्व? भैया मैं पुलिस फोर्स इसलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ जो लोगों की सोच है पुलिस को लेके वो मैं बदल सकूँ। मेरे बच्चे नैन्सी बेटा, अगर तुझे रिस्पेक्ट देनी है तो पोस्ट डाल दे एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दे पुलिस वालों की तस्वीरों के साथ और लिख दे वहाँ पे रिस्पेक्ट पुलिस, लोगों की सोच भी बदल सकती है और लाइक्स भी आ जाएंगे तेरे को। भैया मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ जो मेरे एक पोस्ट करने से लोगों की सोच बदल जाएगी। बेटा सोच तो वैसे भी लोगों की नहीं बदलने वाली, सब लोग ऐसे ही हैं। देख नैन्सी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा सोचा है कि जितना हो सके मैं तेरी हर बात मानूँ, लेकिन इस बार मेरी एक बात मान ले, ये पुलिस वाली बात ना अपने दिमाग से निकाल दे। भैया अरे क्या भैया, तो अच्छा एक काम कर, तू वो कर ले क्या बोलते हैं ये फैशन डिजाइनिंग, मतलब कितना अच्छा लगेगा मुझे भी कि हाँ मेरी बहन के हाथ के सिले हुए कपड़े पहन के एकदम मॉडल्स लोग ऐसे रैंप पर वॉक कर रहे हैं तरह तरह की शक्लें बनाकर, मतलब फैशन डिजाइनिंग कर ले, इट्स अ नाइस ऑप्शन। मुझे नहीं कराने किसी को। क्या रैंप वॉक? तू एक काम कर, एक और आइडिया आया, ये शाहरुख की बीवी और तेरा सलमान, खैर सलमान की तो शादी नहीं हुई अभी, शाहरुख की बीवी और ऋतिक की बीवी हो गई, ये सब क्या करती हैं, ये इंटीरियर डिजाइनर करती हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, इंटीरियर डिजाइनिंग। तू वो कर ले भाई साहब, जो इतने बड़े बड़े लोगों की बीवियाँ कर रही हैं काम, अगर तू करेगी वो सोच कितना बड़ा इंप्रेशन आएगा लोगों पर, सोसाइटी में तेरी क्या इज्जत बनेगी। मतलब कुछ भी? क्या कुछ भी? नहीं भैया मतलब ये तो तुमने चाबी वाले खिलौने की तरह जिद पकड़ ली कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। चल ठीक है, ना तेरी ना मेरी, दिल पे पत्थर रख के एक बात कर रहा हूँ, मानेगी? एक्ट्रेस बन जा। अरे सुन मेरी बात, एक्ट्रेस बन जा, लेकिन जो वो सीरियल किसर होते हैं ना ये, इनसे दूर रही हो, किसी ऐरे गैरे को किस नहीं करने दूंगा अपनी बहन को। भैया मुझे नहीं करनी किसी को ऑन स्क्रीन किस। अरे बेटा क्या करना है तुझे? भैया आपने मुझे कहा था कि आप राखी पे मुझे गिफ्ट दोगे, पर उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया था, तो मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपसे बाद में लूंगी। अरे तो सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग हो गई यार। चल ठीक है, और मेरी बहन यही चाहती है तो यही सही।
वैसे भी मैंने आज तक तेरी हर बात मानी है, तो आज इस चीज के लिए मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन तू ये हवलदार की ड्रेस में कैसी लगी? नहीं भैया, मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी और आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। देशभक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ वैसे ही अपना काम करूंगी जैसे सरहद पर एक फौजी अपने देश की रक्षा करता है। मेरी बहन इतनी समझदार कैसे हो गई? क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा भाई जो है। चलो अभी इमोशनल मत कर। थैंक यू भैया। यू आर वेलकम एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तुम्हें जो करना है लाइफ में करो, एंड आई रियली प्राउड।